भाटी जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। मुझे जरा ये बताइए कि इंडस्ट्रियल रेडीनेस टुवर्ड्स सेफ्टी मेजर्स, इसमें एनटीपीसी ऊंचाहार किस स्तर पर पहुंच चुका है? एनटीपीसी ऊंचाहार ने ये यूनिट को, जो यूनिट 6 को लाने के लिए एक विश्व स्तरीय सेफ्टी का पालन कर रहा है, और हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। जो एनटीपीसी का सिस्टम्स एंड ऑपरेट सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसको फॉलो करके हम लोग इसको सेफली ले आएंगे यूनिट को, और यूनिट सेफली चलेगा। मुझे एक चीज बताइए कि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, उससे आगे बढ़ते हुए हम अगर आपसे ये पूछें तो कब आप यूनिट 6 लाइव कर देंगे एनर्जाइज? हम लोग बहुत बहुत शीघ्र ही कोशिश कर रहे हैं, 1 महीना के अंदर में यूनिट आ जाएगा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी उचाहार सीएसआर में क्या खास कर रहा है इस बार? आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, अबाउट 1 month हुआ आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए एज ए यूनिट हेड, आप ग्रुप जीएम है। मुझे ये बताइए कि क्या खास आप कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में? एनटीपीसी जैसे कि पारिपार्श्विक उन्नति के लिए हम लोग मेनली 3 एरिया में फोकस करते हैं। एक हो गया हेल्थ, एक हो गया आपका रोड कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करते हैं, और एक वाटर सप्लाई में हम लोग करते हैं। कुछ सोलार लाइट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो फुली इक्विप्ड है, और आसपास का गांव का जो लोग हैं बहुत सारे उसमें लाभान्वित होते हैं, और हम लोग उसमें उनको सेवा देने में हर प्रयास करते हैं, और गाँव-गाँव में जाके हेल्थ कैंप वगैरह भी करते हैं ताकि लोगों के पास हेल्थ पहुँच जाए। और मेरा तो ज़्यादा फोकस रहेगा ये गर्ल चाइल्ड एंड वोमेन हेल्थ के ऊपर में काम करने के लिए। और जैसे जैसे लोगों का जैसे रिक्वायरमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या सोलर लाइट का बढ़ावा हो या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का जो आता है, हम लोग का बहुत सारा स्कीम्स लाइनअप में है, और वो इन कोर्स ऑफ टाइम हम लोग थैंक करेंगे। यू। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।